नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। इसी सक्रियता के कारण उन्हें सन 1940 से 1942 तक जेल में रहना पड़ा। 1943 में वे मुंबई चले गए और फिल्म के लिए गीत और संवाद लिखने लगे तथा अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। नरेंद्र शर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि हैं। नरेंद्र शर्मा मूलतः गीतकार हैं। उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण में उन्हें विशेष सफलता मिली है। अंतिम दौर की रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके गीत साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की विशेषता है। धन्यवाद।